end of class 6. I hope you all are good. Let's start our exercise of chapter number 3. Today we're gonna solve our question number 5, 6 and 7. Question number 5. Why does photosynthesis usually stop at night or in a very cold weather? Photosynthesis एंड रेस्पिरेशन चैप्टर का नेम है. फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का अमल, रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल. अच्छा जी बताएं कि फोटोसिंथेसिस रात के वक्त क्यों रुक जाता है या फिर बहुत ठंडी जगह पे क्यों रुक जाता है खाना बनाने का अमल. तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस यूजुअली स्टॉप्स एट नाइट, आमतौर पर रात के वक्त रुक जाता है. बिकॉज लाइट इज नेसेसरी फॉर इट, क्योंकि उसके लिए रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, सूरज की रोशनी. रात के वक्त सूरज होता है नहीं, जब सूरज ही नहीं होगा तो पौधा अब फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह करेगा. एंड इट स्टॉप्स इन वेरी कोल्ड वेदर, बहुत ठंडे मौसम में भी ये रुक जाता है. बिकॉज द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, विल ओनली कैरी आउट देयर केमिकल रिएक्शन बिटवीन सर्टन वार्म टेम्परेचर. वो सिर्फ अपना काम तब कर सकते हैं जब उनका टेम्परेचर वार्म हो. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस रात के अमल में क्यों रुक जाता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता, क्योंकि पौधे को लाइट की ज़रूरत होती है और रात के वक्त लाइट उसको प्रोवाइड नहीं होती. दूसरा आपने कोल्ड वेदर का देखा, कोल्ड वेदर में क्यों पौधे फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंजाइम्स ये काम करते हैं वो सिर्फ वार्म टेम्परेचर में ही काम कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट कैरीड आउट सम मेजरमेंट्स ऑन अ लीफ, उसने एक पत्ते के ऊपर कुछ मेजरमेंट्स की, ठीक है. शी फाउंड दैट द लीफ वॉज गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन. तो उसने देखा कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहा है. डस दिस प्रूव, क्या ये साबित करता है कि पौधा वॉज नॉट कैरिंग आउट द लीफ वॉज नॉट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, के पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा. एक्सप्लेन योर आंसर. अच्छा एक और चीज़, आपको इस चीज़ का तो पता है कि जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालता है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में उनका जो मेन चीज़ है क्वेश्चन में वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जबकि ऑक्सीजन को वो इनहेल कर रहा है. द लीव इन द एक्सपेरिमेंट, पौधा पत्ता जो एक्सपेरिमेंट में लिया गया, मे हैव बीन फोटोसिंथेसिंग टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन बट at a slower rate than respiration was occurring, the temperature or amount of light may have been too low for photosynthesis to occur at a rate where the amount of oxygen given out exceeded the amount being used by the leaf for respiration. इस क्वेश्चन का आंसर है कि देखें, अगर कहा जाए कि पौधा, वैसे तो कहा जाता है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, ठीक है. लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि पौधा तो उल्ट कर रहा है काम, पौधा तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जबकि ऑक्सीजन को अंदर कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पौधे को राइट अमाउंट में लाइट रोशनी ना मिल रही हो, रोशनी ना मिलने की वजह से उसका फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया हो. जब फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, ठीक है, तो वो रुकता नहीं है, वो ये होता है कि पौधा जब ठीक तरीके से काम कर रहा होता है तो वो इतनी मिकदार में ऑक्सीजन पैदा कर देता है कि वो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं होती वो उसको हवा में छोड़ देता है. लेकिन जब वो देखता है कि रोशनी उसको नहीं मिल रही, तो वो हवा में छोड़ी हुई उस ऑक्सीजन को अपने अंदर दोबारा इनहेल करता है, दोबारा उसको इस्तेमाल करता है. तो हो सकता है ये जो साइंटिस्ट है उसने उस वक्त उसको देखा हो जब वो फोटोसिंथेसिस का अमल इस तरीके से कर रहा था जब उसको रोशनी नहीं मिल रही थी. तो उस तरीके से उसने क्या किया, अपनी ही बाहर निकाली हुई वेस्ट ऑक्सीजन को, जो उसकी स्पेयर ज़्यादा ऑक्सीजन आ गई थी, उसको निकाली हुई ऑक्सीजन को वो दोबारा इस्तेमाल कर रहा हो. अ लास्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजिंग अप ऑक्सीजन ऑल द टाइम. पौधे, एक तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है. कह रहे हैं जानवर और पौधे पूरा दिन हर वक्त ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं. व्हाई डज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर नॉट गो डाउन, तो फिर ये जो एटमोसफेयर हमारे इर्द गिर्द मौजूद ऑक्सीजन है ये कम क्यों नहीं होती. ऐसा ही है ना, हम सब इसको इस्तेमाल करते हैं फिर भी ये कम क्यों नहीं होती. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर स्टेज मोर और लेस कॉन्स्टेंट बिकॉज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बिकॉज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
balances the amount of oxygen used by plants and animals during respiration. पौधे एक और बहुत अहम काम करते हैं, और उनका अहम काम क्या होता है, वो गैसेस को बैलेंस रखते हैं. अगर तो वह उसको इस्तेमाल करते हैं तो उतनी ही वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन दे भी देते हैं. पौधों की मदद से हमारे माहौल में ऑक्सीजन बैलेंस रहती है, गैसेस बैलेंस रहती हैं. पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं, और वो इनको बैलेंस भी रखते हैं. अगर वो इतनी इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा हमें देते भी हैं. Our chapter number 3 has been completed. Inshallah, we will start our next unit, Living Things and the Environment, in our next lecture. Till then, Allah Hafiz, students.